डेढ़ सौ हॉर्स पावर तक। अच्छा, तो 150 हॉर्स पावर में कौन सा ट्रैक्टर है जी इसका? 150 हॉर्स पावर में यही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। दर्शन ऑटोमोबाइल ये हापुड़ रोड पर है, हापुड़ से मेरठ वाली रोड पर देख बिजली बम्बो बाईपास के पास। ये न्यू हॉलैंड की एजेंसी है। ये देखो यहाँ 3630 खड़ा है और वहाँ जो है 4x4 9010 खड़ा है और इसके बारे में एक ये खड़ा है। इसके बारे में हमारे भैया हैं, ये जानकारी देंगे इनका। तुम्हें इनका पूरा अच्छा भैया परिचय बताओ अपना। तारीफ अच्छा 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 भैया, तो इसके बारे में कुछ खासियत बताओ। मतलब कि जैसे 4x4 है और इसमें जॉन डीयर में बहुत कम एचपी में भी 45 HP में भी 4x4 निकाल दिए, तो मतलब हमारे में भी है 45 HP। कौन सा है 4x4? वो है 47 HP। 47 HP 47-10? हाँ जी, 47-10 45 HP का ही है ना। अच्छा अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो हमें। इसमें दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, इसमें 12x4x24 के अगले टायर हैं और 40 किलो की एक प्लेट है फ्रंट में और 2 2 4 2 3 6 2 4 8 प्लेट है इसमें, तो 320 किलो वजन है। और इसमें जो है पिछले टायर गुडियर के 18x4 30 के हैं, काफी बड़ी मात्रा में टायर है। मैं पिक्चर दिखा दूँ, इसके बारे में भैया से जानकारी लेंगे। भैया ये कैसे कैसे है, कौन सा मॉडल है? अच्छा भैया साइड में आए हो आप जरा। अच्छा भैया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो कि कौन सा मॉडल है? 19 मॉडल है। तो इसके बारे में कुछ जैसा कितने एचपी में है ये? 90 हॉर्स पावर। 90 हमारे पूरे अपना होंगे, यूपी में 90 हॉर्स पावर ट्रैक्टर नहीं होगा। यूपी में हमारा, हाँ हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा ट्रैक्टर है नहीं। तो यू जैसे कि सेकंड हैंड ठीक होने को आया, यू कहाँ का है जी? किसने लिया? मुरादाबाद साइड का ट्रैक्टर है। अच्छा इसके बारे में कुछ खासियत बताओ, जैसे कि तुम्हारे और यू 3630 है यू है और इसमें मतलब कि क्या, मतलब कि क्या चीज चला रहे हो ऐसा इससे जो 90 HP के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी? प्रेशर वाली हैरो चलती है। प्रेशर वाली हैरो कितने कितने तब होगी? 25 तब होगी। वो इसे ये नहीं चला सकता उसे? वो नहीं चला। 90 HP चाहिए जी। तो भैया इसके लिए रोटावेटर क्या फोटा चलेगा? मल्चर चलता बहुत हो जा। और भैया इसकी टंकी, इसकी डीजल टैंक की बात करें तो इसमें कितने? 2 लीटर का इसका डीजल टैंक है। 4 सिलेंडर? 4 सिलेंडर। इसमें इनलाइन पंप है या रोटरी? रोटरी पंप है। देखो भैया 4 सिलेंडर रोटरी पंप है और जाली वाला साइलेंसर है इसका। और गियरों की बात करें तो इसमें गियर साइड शिफ्ट गियर है, हाई लो मीडियम में ट्रैक्टर है। और इसमें जो है 4 गियर भैया कैसे कैसे हैं? ये 5 हो गए ना, 24 गियरों वाला 12+3 हाई लो मीडियम वाला है ना। हाँ हाँ हाँ। और इसमें देख लो लगा दो। अच्छा ये गियर है। और स्टेयरिंग भैया कैसे? स्टेयरिंग आप नीचे करना चाहते हो, नीचे भी हो सकता है इसका। अच्छा देखो स्टेयरिंग किसान भाई, स्टेयरिंग इसका यहाँ करना चाहो वहाँ हो जाएगा। अच्छा इसका ऊपर नीचे स्टेयरिंग हो जाएगा करना चाहो तो। अच्छा ये है इसका सीट। ओके और देख लो अच्छा जी एक बात और बताओ तो इसका फिर तेल का खर्चा क्या है? तेल का खर्चा तो भाई साहब अपने ऊपर चलाने के ऊपर बात है। नहीं एक बात कम हो, देखो 90 HP ट्रैक्टर है, 800 HP का तेल तो कम से कम लेगा ही है। घंटे का पीछे देखने की जरूरत नहीं है। नहीं जैसे आप खाली चलेगा ये रोड पर तो वही नॉर्मली खर्चा रहता है। कितना ये मतलब आप घंटे का हिसाब लेके चलोगे कम से कम 5 लीटर 6 लीटर कम से कम 5 लीटर 6 लीटर घंटे का। मतलब कि जितना ये लोड पले हुआ है इतना खाली ले हुआ है, सीधी सीधी बात ही है जी। ठीक है और इस पे अगर कल्टीवेटर चला लगे तो 15 10 का चलेगा।
तो भी छोटा रह जाएगा, 17 का चलेगा। मैं देख लो पावर स्टीयरिंग आगे इसमें वेट दे रखा है, देखो इसके हाउसिंग कितने तगड़े दिए हैं, इसके मल्टीपर्पज कह सकते हैं। देखो ये छोटे मोटे किसान के लिए तो है नहीं, किसान भाइयों ये तो है पुराना नंबर, पुराना ट्रैक्टर है, सेकंड हैंड खड़ा है, ठीक होने को आया है। अब इसमें क्या हुआ, सर्विस वगैरह। और किसान भाइयों अगर तुम्हें नया मंगवाना हो तो यहाँ पे आ जाना, देख लेना। 150 हॉर्स पावर तक इसी कंपनी के पास ट्रैक्टर है, बाकी और कोई सी कंपनी के पास 150 हॉर्स पावर। 150 हॉर्स पावर तक, अच्छा तो 150 हॉर्स पावर में कौन सा ट्रैक्टर है जी इसका? 150 हॉर्स पावर में यही है, 90-10 होगा, आप कोई सा भी। अच्छा 150 हॉर्स पावर तक इस कंपनी ने लॉन्च कर रखे ट्रैक्टर, और इंडिया में तो लॉन्च नहीं हो नहीं, यहाँ तो जरूरत, यहाँ तो इसकी हमारे क्षेत्र में तो इसका जरूरत है नहीं कुछ भी, पूरे क्षेत्र में कुछ नहीं ट्रैक्टर ना होगा, 90 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। और इसके बारे में कुछ खासियत हो? ऑटोमेटिक है, डबल क्लच लिफ्ट ऑटोमेटिक है, और रिवर्स पीटीओ तो होगी होगी, क्रूमिक्स उसका वो कैसी हो जी? अच्छा गियर मतलब कि स्टैंडर्ड होती है, क्रोमिक वो होगा है कि पहले गियर में गिर तो गियर के हिसाब से चलेगी, उसकी स्पीड दो गियर के हिसाब से होगी। और कुछ जैसे इंजन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? इंजन की लाइफ तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया लाइफ, इंजन की लाइफ अच्छी है इसकी। अच्छा एक बात और बताओ, अगर इसमें हम एसी वाला केबिन लगवाना चाहें वो भी तुम ही लगा दोगे? नहीं वो लगा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, या लगवा देंगे यहीं आस पास, कंपनी से फिटिंग आता है, कंपनी फिटेड भी आता है ना। हाँ भाइयों ये न्यू हॉलैंड दिखा दियो एक बार, मैं से चल भाइयों, इसमें जो है बैटरी आगे दे रखी है, और ये देख लो ये तो रेडिएटर होगा, इसके आगे क्या है जी? वो ये एक्स्ट्रा इसका जो हवा आती है ना, हवा ठंडा, यानी कि इसका कूलर, इंटरकूलर 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 बोलते हैं।